वेलकम्स टू माई चैनल। साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है शमय उर्दू हिंदी में। NIOS क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212 का TMA यानी असाइनमेंट जो कि आपको जमा करना है, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में से आप नंबर लेके मुझसे PDF हासिल कर सकते। तो पहला सवाल है, 6 सवाल होते हैं, दो में से हर सवाल में 2 ऑप्शन होते हैं, कोई एक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उर्दू में भी मिलेगा, हिंदी में, ठीक है, हर मीडियम में अवेलेबल है, प्रैक्टिकल भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन यही है कि यू कैन ज्वाइन द सेंसेस ऑफ द डिफरेंट वे ऑब्टेन टू द रिजल्टिंग ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज। यू आर गिवन द 3 रेसिडेंट्स ऑफ द ब्लू ईच, ड्रॉ डायग्राम टू शो द देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। वी कैन कंसर्ट द सिचुएशन विच 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट में दिखा रखा ऑल 3 इन द सीरीज, यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह देखना है। दूसरे का आंसर ये है ऑल 3 इन पैरेलल, पैरेलल में भी दिखाया है तीनों को, ठीक है। इसके बाद है इसमें देयर आर पैरेलल एंड थर्ड रेसिडेंट इन द विथ, थर्ड को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद भाई सेकेंड क्वेश्चन है, पेज नंबर डालते हुए चलिएगा ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन जमा होंगे, ऑफलाइन भी जो है स्टडी सेंटर पे जाके जमा होते हैं। अब पता नहीं ऑफलाइन का है या नहीं, लेकिन ऑनलाइन का हिसाब बन गया, ठीक है, ऑनलाइन जमा भी करवा सकते हैं आप। इसके बाद है द ड्रीजस ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1:8 बाय द मास ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका आंसर देखिए आपको क्या उतारना है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है फिर भी आप देख लीजिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन दियर रेशो 1:8 वी आर दैट 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड ऑफ 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन गैस फॉर वाटर। Therefore, 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन गैस विल रिक्वायर 8 × 3 24 ग्राम ऑक्सीजन। इसके बाद है कि दस द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ द रिच कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ द हाइजीनियस गैस ऑफ फॉर वाटर। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लिबरल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल, मेंशन एनी 3 डिफरेंट प्लांट सेल्स ऑफ एन एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में 3 बातें लिखनी है। फर्स्ट मैंने लिख के दिखा दिए, प्लांट सेल्स आर द लिटरली लार्ज इन साइज और एनिमल सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। द यहाँ पे इसी तरह है, द सेल वन इन शुड बी सेल वेल इन द प्लांट सेल होल इन द एनिमल सेल्स, ठीक है। द आर द लॉन्ग इन साइज, द वैल्यूज आर वेरी स्मॉलर इन साइज। इसके बाद अगला है द फॉलोइंग डाइग्राम, ठीक है, डिस्प्ले अ केमिकल रिएक्शन एब्सेंस केयरफुली शो ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल प्लेस एंड 5 हाउ द कलर ऑफ द सोल्ड चेन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। इसके बाद ये डायग्राम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटोकेमिकल द डीकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द विच कंबाइंड डायग्राम इन द लूप, ठीक है। सारी बातें इसके अंदर आप लिख देना, ये भी लिखनी है। इसके बाद पांचवा है गिवन बिलो द वन ऑफ द नेम्स ऑफ द सॉ एनिमल आइडेंटिटी टू अराइवल ईच हैविंग ऑल्सो नेम द प्लेस क्लास ऑफ ईच नेम, शार्क साउंड वेव स्नैक जेली फिश टाइप ऑफ सेलफिश स्टार फिश। तो यहाँ पे रेडिकल सिमेट्री, ठीक है, बॉडी कन्वर्ट विथ स्केल्स, ठीक है, पैरासिट मोड ऑफ द लाइफ। तो रेडिकल सिमेट्री के अंदर देखें जेली फिश, उसके बारे में लिखना है आपको पूरा। इसके बाद यहाँ पे आगे है क्लास 2, इसके बारे में इस तरह पूरा लिख देंगे। और ये वो असाइनमेंट है जिसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि
नंबर बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि बहुत बारीकी से और बहुत साफ सुथरा बनाया है। प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाना है सबसे पहले आंसर इस फॉलोइंग क्वेश्चन के। ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पूरे क्वेश्चंस को उतार लीजिएगा, है ना। और उतारने के बाद जो है आप यहाँ से जब ये पूरा क्वेश्चन इसके पूरे पार्ट्स जब उतार लें आप, तो इसके बाद इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आंसर कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वी हैड यूज द सॉल्यूशन, है ना। ये पूरा आप आंसर लिख दीजिएगा, मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी इन्हें पढ़ने का टाइम नहीं है, वो आप देख लें इसे पूरा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट के आपके लिए बनाने हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, लेकिन वन बाय वन मिलेंगे, डे बाय डे मिलेंगे, ठीक है। बी का देख लीजिए और इसके बाद ये सी का देख लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, साथियों में भी शेयर करिए, जो बच्चे बनाना चाहते हैं उन तक पहुँचाइए इसे, ताकि वो देख के बना ले। और अगर PDF फॉर्म में चाहिए और हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का असाइनमेंट, यानी TMA जिसे बोलते हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए 212 इंग्लिश में, ठीक है भाई। ऊपर इसी तरह लिखना है आपको NIOS 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212, और ये भी साथ में लिखना है 2023-24 TMA। इसके अलावा कोई निशानी वगैरह कुछ मत डालिएगा, अगर आप ऐसे कुछ सिंबल या कुछ बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाए, एक भी नंबर ना मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई निशानी नहीं है मेरे असाइनमेंट में, बिल्कुल सिंपल सादा है। इसी तरह आप बनाइएगा और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ मत करिए, अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके नंबर 0 हो जाए, ठीक है। शुक्रिया।